दोस्तों इसमें मैंने लिया है 2 चम्मच मेथी दाना और थोड़ा ब्लैक पेपर के दाने, जो गर्मी से ईचिंग विचिंग होता है वो सब निकल जाएगा। ये है हमारे नाइजेला सीड्स कलौंजी और ये है करी पत्ता। धूप होने की वजह से थोड़ा जल्दी सूख जाता है पर चलेगा। इसको हल्के से हम रोस्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज बनाने वाले हैं हम। किसी शैम्पू की भी जरूरत नहीं होगी आपको, ऐसा हेयर मास्क बनाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर मास्क जो बहुत हेल्दी है। इसको अप्लाई करने के बाद 1 घंटे बाद आप अपने बाल ऐसे ही धो दीजिए, शैम्पू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने लिया है 2 चम्मच मेथी दाना, कुछ दाने काली मिरी यानी ब्लैक पेपर के और कड़ी पत्ता और हमारा फेवरेट कलौंजी सीड्स। इसको भून के पीस के रखेंगे और थोड़ा सा सुबह खा लेंगे ना तो भी आपके लिए और आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी होगा। इसे अब मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसे अब हम 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि इसका जितना भी पौष्टिकता है वो पानी में भी आ जाए और बाहर निकल आए। ऐड कर दिए रोजमेरी लीव्स भी। आप सब जानते हैं रोजमेरी लीव्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हेयर के लिए और पौष्टिकता के लिए, रीग्रोथ के लिए और हेयर फॉल रोकने के लिए। जब तक मेथी के दाने और हमारा लिक्विड पकता है तब तक हम लेंगे ये एलोवेरा फ्रेश। जेल भी यूज करती हूँ मैं हमेशा, पर आज फ्रेश एलोवेरा यूज करेंगे हम। तो हमें जितना चाहिए अपने हेयर पैक के लिए उतना ले लेंगे। वाओ, आप सब जानते हैं एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हर चीज के लिए बहुत ही एंटी इंफ्लेमेटरी और बहुत ही कंडीशनिंग डीप करता है। आपने देखा भी होगा सिर्फ ये जेल डायरेक्ट लेके आप फेस में इसका फेशियल करेंगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। ये देखिए इस तरह से निकलता है। ये इतना स्लिपरी होता है ना, इसको निकालना भी एक कला और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैं तो पहली बार इस तरह से दिखा रही हूं, दिखाते में और नर्वसनेस भी हो जाती है इंसान को। इतना स्लिपरी होता है ना ये, बिल्कुल आराम आराम से निकालिए। मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा दूंगी मगर आराम से निकालूंगी क्योंकि मुझे एलोवेरा जेल निकालना है अपनी स्किन नहीं। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा होता है, नेचुरल की बात ही कुछ और होती है। एलोवेरा का प्लांट आप अपने किचन गार्डन में खुद लगा सकते हैं।
जितनी नेचुरल चीजें यूज करेंगे ना उतना फायदा करेगी। तो अब मैं इसे जरा ले लेती हूँ कटोरी में। एक और चीज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, वो है ये कोल्ड प्रेस्ड है पर कोकोनट ऑयल, इससे डीप कंडीशनिंग भी हो जाएगी। तो हम इसे पकाएंगे अभी 10 मिनट के लिए। इसमें ऐड कर दिए रोजमेरी लीव्स भी। आप सब जानते हैं रोजमेरी लीव्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हेयर के लिए और पौष्टिकता के लिए, रीग्रोथ के लिए और हेयर फॉल रोकने। दोस्तों तो ये रहा हमारा फ्रेश एलोवेरा जेल और ये पानी को हमने रिड्यूस किया है ताकि मेथी और ये कलौंजी रोजमेरी का सारा इन्फ्यूजन उस वाटर में भी जा सके। पर हम वाटर नहीं ले रहे, हम ये पूरा ले रहे हैं और हम इसको लेंगे इस मिक्सी जार में, जो हल्दी का जूस पी पी के मेरे पूरी येलो हो चुकी है। मैंने एलोवेरा जेल भी इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको डाल के पीस के बनेगा हमारा हेयर पैक। अगर आपके पास है तो आप हिबिस्कस पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी गुड़हल का जो फूल होता है जासवंद जिसे कहते हैं उसको भी इसमें डाल सकते हैं। तो मिलते हैं हम जब इसे पैक बनाएंगे। तो पैक बन के रेडी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल का पाउडर। ये ऑर्गेनिक पाउडर्स मैंने पहले ही मंगा के रखे थे। उसके बाद हम ऐड करेंगे शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई से ही पहले बाल धोए जाते थे तो हमें शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती थी। आज ये पैक लगाने के बाद शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। फिर मैंने इसमें ऐड किया है ये आर्गन ऑयल है जो आपके बालों को शाइन देता है बहुत। और हम इस पे डालेंगे आंवला पाउडर भी, क्योंकि पैक बन रहा है भाई हेयर के लिए, पौष्टिक पैक, नरिशमेंट हमको डायरेक्ट डालना है बालों में, राइट। ये आंवला पाउडर है तो मैं इसे डाल रही हूँ। अब इसे मिक्स मिक्स कीजिए। मेरी कटोरी ज़रा फुल हो गई थी तो मुझे बड़े डेलिकेटली उसको मिक्स करना पड़ रहा था। और इसके बाद हम इसे लगाएंगे और 1 घंटे तक आपको रखना है इसको। अनबॉक्सिंग तो नहीं, अनबॉक्सिंग मैंने कर लिया था पर मैंने ऑर्डर किए थे ये नेल पॉलिश छोटे छोटे इसलिए कि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते, फिर यूजफुल भी नहीं होते। तो बहुत प्यारे प्यारे कलर्स है इसमें, देखिए। तो 6 महीने का तो कोटा पूरा, क्योंकि थिनर मिक्स करके भी लगाते हैं ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता उसमें, है ना प्यारे कलर्स। अब मैं लगाऊंगी इसको एंड आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो। और आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये वाला पैक लगा के देखिए आप। बार बार शैम्पूज के पीछे मत पड़िए, मेरी बात सुनिए। एक बार पैक लगाना है, हफ्ते में 2 बार तेल लगाना है। और जो वो मैंने मेथी दाना और कलौंजी का टोनर बनाया था उसको डेली रूट्स में अप्लाई करके ऐसे ऐसे करके छोड़ देना है, वो अपने आप ड्राई हो जाएगा। और जो गरम गरम भाप गर्मी में निकल रही वो भी ठंडी हो जाएगी और आपको पोषण भी मिलेगा। अरे हाँ, एक चेतावनी, जिन लोगों को अगर जुए वगैरह हो ना तो फिर ये बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि नरिशमेंट डाल रहे हैं ना तो पता चला वो भी बढ़ जाएगी। पहले जुओं का इलाज कर लीजिए और फिर वो टोनर लगाइए एवरी ऑल्टरनेट डे। हफ्ते में 2 बार तेल लगाइए, 1 बार इस तरह का पैक लगाइए, बिल्कुल शैम्पू नहीं करना है। और 15 दिन में 1 बार हीना का एप्लीकेशन कीजिए जो मेरे वीडियो प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा। तो अपने बालों को स्वस्थ रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। इसको आप सेवन भी कर सकते हैं, जो इसमें हमने डाला है कड़ी पत्ता, मेथी दाना, कलौंजी, मैंने कहा था ना जैसे भून रही थी उसी को पीस के दवाई जैसे घटक लीजिए सुबह उठ के, है ना।
और कोकोनट ऑयल कोल्ड कॉम्प्रेस होता जो है, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म भी हो तो उसको भी आप सेवन कर सकते हैं। अपने थायराइड की गोली लेने के बाद जब जाते हैं तो चाय मत पीजिए, पहले एक चम्मच कोकोनट ऑयल पी लीजिए, उसके बाद अपना काढ़ा ग्रीन टी वगैरह वगैरह शुरू कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक बटन दबाना मत भूलिए और कमेंट कीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने बालों का ख्याल रखिए और अपने दिल का भी ख्याल रखिए।